Good morning friends, welcome to Nifty Analysis from tradingfab.in. Today 10 September है, Monday है, हफ्ते का पहला trading session है, तो आज कैसी रहनी चाहिए Nifty में हमारी strategy intraday के लिए, और आने वाले week में Nifty का move कैसा हो सकता है, ये भी देखेंगे, लेकिन हमेशा की तरह global market के हालात से शुरू करेंगे, चलते हैं global market के हालात देखते हैं, अमेरिकी market, Dow Jones, Nasdaq, इंडेक्स फ्राइडे को लाल निशान में बंद हुए, प्रेशर देखने को मिला वहां पर। और यूरोपियन बाजार की बात करें तो लंदन मार्केट में गिरावट देखने को मिली, 41 पॉइंट की गिरावट, और जर्मन और फ्रेंच मार्केट में थोड़ी सी मजबूती दिखाई दी, हल्की सी मजबूती, लेकिन वहां पर भी प्रेशर ही है, प्रेशर ही बन रहा है ऐसा कहा जा सकता है, मामूली सी बढ़त है। आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो चाइना मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है, 22 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। हांगकांग मार्केट में तो 392 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। जापानीज मार्केट निक्केई का इंडेक्स है, वो भी मामूली बढ़त, 1 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में अभी भी प्रेशर बना हुआ है। डाउ फ्यूचर की बात करें तो 33 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा था, और एसजीएक्स निफ्टी यहाँ पर 50 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल मार्केट से थोड़े प्रेशर के संकेत आ रहे हैं, कमजोरी दिखाई दे रही है। तो आज निफ्टी में क्या होगा, चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह है निफ्टी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है। हम कई सारे लास्ट पास्ट वीडियो से कहते आ रहे हैं स्ट्रक्चर बुलिश बना हुआ है। जो भी डाउनफॉल आता है वो प्रॉफिट बुकिंग की नजरिए से देखें, करेक्शन की नजरिए से देखें, ठीक है। तो मैग्डी और आरएसआई सपोर्टिव इंडिकेटर्स वीकली चार्ट में अभी भी पॉजिटिव बने हैं, लेकिन अगर आप देखें तो आरएसआई जो है वो अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि 7200 जो कि ओवरबॉट जोन है उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर थोड़ा प्रेशर बन रहा है, सेलिंग चल रही है, लेकिन अभी भी जो मैग्डी है वो जीरो लाइन के ऊपर है, पॉजिटिव सिग्नल हमें दिखा रहा है। तो ये था सपोर्टिव इंडिकेटर्स के बारे में सिनेरियो एज पर वीकली चार्ट। अगर प्राइस एक्शन की बात करें, तो लास्ट टू वीक्स यहाँ पर वीक बुलिश कैंडलस्टिक बना, और जब ये लास्ट वीक का ये बियरिश कैंडल बना है तो ये भी वीक बुलिश कैंडलस्टिक बना है। अगर आप ध्यान से देखें तो बियर्स ने यहाँ पर शुरुआती दिनों में, लास्ट वीक के शुरुआती ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर अच्छा खासा कंट्रोल ले लिया था, और एक फर्स्ट थ्री ट्रेडिंग सेशन में हमें जबरदस्त डाउनफॉल मिला, लेकिन बाद में जो लास्ट टू डेज थे वहाँ पर बुल्स ने अपना कंट्रोल ले लिया और बियर्स के ऊपर हावी हो गए, और ऊपर की तरफ आके एज पर वीकली चार्ट निफ्टी इंडेक्स बंद हुआ। तो यहाँ पर ये वीक बियरिश कैंडलस्टिक कहा जाएगा इसे, तो वीक बियरिश कैंडलस्टिक है, इसका मतलब यहाँ पर बुल्स ने अपना कंट्रोल पूरा ले लिया है ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल इनडिसिजिव पैटर्न बना हुआ है, बुल्स और बियर्स के बीच में घमासान लड़ाई चालू है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट है, बुल्स जीत रहा है या बियर्स जीत रहा है, ये कहा नहीं जा सकता। तो क्लियर पिक्चर बनने दीजिए, अगर लास्ट हाई अगर ब्रेक करता है, जो कि लाइफ टाइम हाई बनाया था निफ्टी इंडेक्स ने 11760 के ऊपर, अगर चला जाता है तो ही अपनी लॉन्ग पोजीशन कंटिन्यू कीजिए, और अगर नीचे की तरफ अगर मूव होता है तो लास्ट वीक का लो उसे ब्रेक करना पड़ेगा, और जो 23.6 का फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल आ रहा था वो इसे ब्रेक करना बहुत जरूरी है, जो कि 11476, इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो ही शॉर्ट पोजीशन में अपनी बनाइए, वरना अभी फिलहाल साइडवेज में मार्केट हो सकता है। इस वीक एक छुट्टी आ रही है तो सिर्फ चार ट्रेडिंग सेशंस है इस वीक में, तो देखना होगा निफ्टी आगे कैसा मूव करता है। यह था वीकली चार्ट का सिनेरियो, डेली चार्ट में चलते हैं। डेली चार्ट में हमने यहाँ पर भी फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल जो ड्रॉ किया था पास्ट में, अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो एग्जैक्ट 11476 के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया है, जो कि लास्ट स्विंग हाई भी था निफ्टी इंडेक्स का। तो यहाँ पर एक सपोर्ट टेस्ट किया और यहाँ से फिर से एक बार एक छोटा सा बाउंस बैक दिखा रहा है। पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि 20 EMA के ऊपर क्लोज हुआ है,
लगातार 20 एमए के ऊपर क्लोज हुआ है और दोनों दिन स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक बनाया है। बियर्स ने अपना कंट्रोल लेना चाहा, यहाँ पर बियर्स ने अपना कंट्रोल लेना चाहा, लेकिन बुल्स यहाँ पर फिर से दो दिन हावी हो चुके और मार्केट को ऊपर, निफ्टी इंडेक्स को ऊपर में आकर हरे निशान में बंद हुआ, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। हालांकि सपोर्टिव इंडिकेटर मैगडी और आरएसआई देखे तो अभी भी निगेटिव है एज पर डेली चार्ट। डेली चार्ट में निगेटिव है, वीकली चार्ट में पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्लियर पिक्चर नहीं है, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। डेली चार्ट में अभी फिलहाल जो बाउंस बैक आया है वो अगर कंटिन्यू करना है तो इसे लास्ट प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करना होगा कंफर्टेबली, तो ही इसमें आज के दिन के लिए बाय कीजिए। क्योंकि क्या है, जब भी एक डाउनफॉल आता है, जो डाउनफॉल आता है उसमें जो स्ट्रांग बियरिश कैंडलस्टिक होती है, जब तक उसे क्रॉस ना करे, कंफर्टेबली ब्रेक ना करे, तब तक प्रॉपर अप ट्रेंड इंडेक्स में आया है ये कहा नहीं जा सकता। जो लास्ट बियरिश कैंडलस्टिक होता है उसे जब तक ब्रेक नहीं करता, उसका हाई अगर ब्रेक नहीं करता, तो हम तब तक इसे प्रॉपर अप ट्रेंड नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये है डेली चार्ट का सिनेरियो। लेवल्स के हिसाब से ट्रेड कीजिए। फिबोनाची एक रिट्रेसमेंट का 23.6 का लेवल अभी फिलहाल सपोर्ट का काम कर रहा है, जो 11476 के आसपास है। चलते हैं इंट्राडे स्ट्रेटजी बनाते हैं क्विकली, 60 मिनट के चार्ट में चलते हैं। हमने यहाँ पर देखा, अगर लाइन चार्ट में मैं इसे कन्वर्ट करूँ तो आपने यहाँ पर देखा, हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि यहाँ पर एक अगली डबल बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ है जो कि एक बुलिश पैटर्न है। ये प्रॉपर डबल बॉटम पैटर्न नहीं है, ये हायर हाइज बना, हायर बॉटम्स बनाया हुआ है, तो यहाँ से हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकती है ऐसा हमने कहा था। तो नॉर्मली यहाँ से हमको एक छोटा सा अप ट्रेंड देखने को मिला, तो देखना होगा कि ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है या नहीं। अप ट्रेंड के लिए हायर हाई हायर लो ये फॉर्मेशन बनना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस हाई अगर ब्रेक करता है तो ही अपनी बाय पोजिशन बनाइए। तो आज इंट्राडे के लिए भी, अगर फ्राइडे का हाई कंफर्टेबली अगर ब्रेक होता है इसके ऊपर 11603 के ऊपर 5 या 10 मिनट के चार्ट में सस्टेन करता है तो ही अपने इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बनाए, और फर्स्ट टारगेट होगा 11633, ठीक है। यहाँ पर ये जो 11603 का जो लेवल है, जो ये लास्ट पास्ट में एक गैप अप ओपन हुआ था तो इसको फिल किया हुआ है, और इसका अपर बैंड का ये लेवल है 11603, तो ऊपर में अगर सस्टेन करता है निफ्टी इस लेवल के ऊपर तो ही बाय कीजिए इंट्राडे के लिए, और फर्स्ट टारगेट होगा 11633। अगर नीचे में अगर मूव होता है, निफ्टी टूवर्ड्स साउथ की तरफ मूव होता है, तो मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं। आप देख सकते हैं 50 एमए का सपोर्ट लेवल है, ये ब्लू लाइन जो है वो 50 एमए है, बाद में 100 एमए है, 20 एमए है, उसके अंदर ही पिवट पॉइंट का सपोर्ट लेवल है, फिर S1 का सपोर्ट लेवल है पिवट पॉइंट का, फिर प्रीवियस डे का लो का सपोर्ट है, तो मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं। तो अगर आज निफ्टी साउथ की तरफ भी मूव होता है तो ट्रेड ना कीजिए, अपनी इंट्राडे शॉर्ट पोजीशन ना बनाएं। कहाँ से भी, कौन से भी सपोर्ट लेवल से ये टर्न हो सकता है, ऊपर की तरफ बाउंस बैक हो सकता है, तो शॉर्ट करना रिस्की हो सकता है। आज अगर शॉर्ट की पोजीशन बनाने का मन करे तो भी मत बनाइए, मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं। अगर ऊपर में 11603 के ऊपर सस्टेन होता है 5 या 10 मिनट के चार्ट में तो ही बाय कीजिए इंट्राडे के लिए, फर्स्ट टारगेट होगा 11633, ठीक है। तो ये थी हमारी आज के लिए इंट्राडे स्ट्रेटेजी निफ्टी के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।